गया जी में जो भी कोई पत्रकार के लिए आया है सच है कि उसको भगवान गदाधर प्रभु ने बुलाया। भगवान विष्णु के तीन रूप इस मृत्यु लोक में दिखते हैं। भगवान का जहां मस्तिष्क दिखाई देता है उसको बद्रीनाथ कहते हैं, भगवान का हृदय जहां दिखाई देता है उसको नेमी सारण कहते हैं, और भगवान के चरण जहां दिखाई देते हैं उसी को श्री गयाजी धाम के नाम से जाना जाता है। यहां भगवान के चरणों की पूजा, यहां गदाधर भगवान के चरण पूजे जाते हैं। आप यहां तक आए हैं एक दिन समय निकाल के, 16 दिन में कोई भी दिन आप विष्णुपदी तक जाइए, स्वगोत्रे परगोत्रे वहां दंपत्यो पिंड पात्मा, अपने गोत्र के कोई हो, आपके मित्र बांधव रहे हैं, दूसरे गोत्र के कोई रहे हो और आपके निगाह में हैं कि उनकी काल मृत्यु हो गई है या वो आत्महत्या करके मरे हैं, इसमें ही लिखा स्वगोत्रे परगोत्रे वा, चाहे वो आपके गोत्र का हो चाहे वो दूसरे गोत्र का हो, आप गया जी आए हैं तो उसके लिए भी कुछ करके जाइए, उसका आत्मकल्याण हो जाएगा, उसको संतुष्टि मिल जाएगी, उसको संतोष मिल जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। मित्राणी शिष्या पशवस्य वृक्षा दृष्टाय दशस्य कर्तोपकारा, आपको ध्यान है मैंने कभी यह बोला था कि महाभारत के वन पर्व में ऐसा लिखा है कि यदि आपने वृक्ष लगाए पेड़ लगाए हैं तो पेड़ मनुष्य का शरीर धारण करके दाता का पिंडदान करने के लिए श्री गया जी पहुंचते हैं। पिता में भीष्मणि दुष्टर को बात बताई, यहां वायु देवता ऐसी बात को कह रहे। मित्राणि शिष्या, क्या अद्भुत बात कही गई है, कहा गया है कि आपके द्वारा मित्र का तर्पण कल्याण हो जाता है, आपके द्वारा शिष्य का तर्पण हो जाता है, पशवश्यः, आपकी गाड़ी से कभी पशु पक्षी की मृत्यु हो गई है, श्री गयाजी में आकर के आप जिस समय तर्पण करते हैं या कोई भी पूजा करते हैं, पूरे जीवन भर में आपसे टकराकर गाड़ी के द्वारा किसी भी प्रकार से किसी पशु जीव की मृत्यु हुई है, इतने बड़े अपराध से भी आप तत्काल, आप तो मुक्त हो ही जाते हैं लेकिन मरने वाले उस जीव का भी कल्याण हो जाता है इस धरती पर आपके द्वारा तर्पण पिंडदान करने से। इसलिए मैं कहूंगा पूरे देश को अपने जीवन में एक बार श्री गया जी जरूर पधारिएगा, गया जी जरूर पधारिए। जिन पेड़ों को तुमने काटा है, जो वृक्ष आपसे कटे हैं, उन वृक्षों का भी कल्याण हो जाता है आपके श्री गया जी के आने पर। ये वृक्ष भी पहले जन्म का कोई जीव है, कोई इससे कोई त्रुटि कोई गलती हुई है ये पेड़ बन गया। भागवत जी में कथा आती है कि कुबेर के दो पुत्र विवस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे, नारद जी ने श्राप दे दिया कि दूर तो मूर्खो जाओ, पेड़ ही तुम बन जाओ, क्यों पेड़ों को कपड़ा नहीं पहनना पड़ता और वृक्ष बने। ये जो भी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जरूर पूर्व में कभी इंसान बने, आपके माध्यम से तो भैया वृक्षों का उद्धार हो जाता है तो आपके माध्यम से मनुष्यों का कल्याण क्यों नहीं होगा, ये विचारने लायक है आपके माध्यम से। जीवन में वृक्षारोपण पेड़ जरूर लगाना, पेड़ मनुष्य जीवन धारण करके दाता का तर्पण पिंड दान करने के लिए श्री गया जी चल कर गया। पूर्वजों के उद्धार के लिए श्री गया जी से प्रमुख कुछ है नहीं, कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है, कहीं नहीं। इतना बड़ा प्रभाव है यहाँ का, पिंडान ददात पूर्वम स्त्रीणाम मात्राधिका क्रमा। देखो मैंने अभी बात कही उसका मैंने श्लोक प्रमाण में बोला है कि यह कार्य नारी भी कर सकती है, उसको अधिकार दिया है करने, पति नहीं है पुत्र नहीं है तो स्त्री खुद श्री गया जी जावे। ये तो वर्णन है कि फल्गु की नदी के किनारे पर भगवान प्रभु राम जी तो कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए चले गए थे, फल्गु के जल में से महाराज दशरथ का हाथ ऊपर निकल के आ गया, कहा बेटी हम तो बहुत ज्यादा भूखे हैं, वहां खाने पीने की कोई चीज नहीं थी, सीता माई ने बालू का ही पिंड भर दिया, दशरथ जी के हाथ पर पहुंचते ही मिष्ठान पकवान बन गया, बालू रेती। तो इसमें क्या वर्णन सुंदर किया गया है, आपके पास पैसा नहीं है,
कैसे भी आप फल्गु के किनारे तक पहुंचकर हाथ जोड़कर फल्गु के किनारे एक पलाश की पत्थर लेकर और उसमें बालू के पिंड भर करके रख दीजिए और कहिए, हे दाता, हे प्रभु परमात्मा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हे गदाधर भगवान, हमने तो बालू के पिंड रख दिए हैं, हमारे पूर्वजों के लिए इसको आप 56 रसोई बना दीजिए, आपसे प्रार्थना।